साइकिल देखेंगे। कल हम लोगों ने आइडियल देखा था, ठीक है। एक इसको देखने से पहले कुछ दो चीजें हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, पहले ओपन देखते हैं। मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम, सपोज X1 एट एंथैल्पी H1 इन कर रहा है किसी एक सिस्टम के अंदर, जिसे हमने नाम दे रखा है फीड वाटर हीटर, ठीक है। दूसरे साइड से कुछ आउट होना है अमाउंट, अभी वो पता नहीं क्या है। X1 अमाउंट H1 एंथैल्पी पे फीड वाटर हीटर के अंदर एंटर किया, और कुछ अमाउंट ऑफ रिमेनिंग जो किसी सिस्टम से आ रहा होगा वो X2 होगा, और वो H2 एंथैल्पी पे एंटर कर रहा होगा। तो फीड वाटर हीटर ओपन के केस में अगर मान लेते हैं कि ये स्टीम है और ये वाटर है, ठीक है, ओपन फीड वाटर हीटर के केस में ये दोनों डायरेक्टली मिक्स करेंगे और आपस में हीट इंटरचेंज करेंगे, और यहां पर मिक्सचर हमें मिलेगा X1 प्लस X2 और जो एंथैल्पी S3 हमारे पास मिलेगी। तो इसको सम अप करने के लिए हम लिख इसका जो सिस्टम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, X1 H1 प्लस X2 H2 इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2 S3। ये X1 X2 वो मास होगा जो यहाँ पर दोनों का समेशन होगा, यानी कि टोटल सिस्टम का इन इज इक्वल्स टू टोटल सिस्टम का आउट। अगर समेशन ऑफ एनर्जी का हम इन देख रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी के आउट के बराबर होगा। ये एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम बना सकते हैं, ये फीड वाटर हीटर ओपन के केस में, इसलिए हम इसे ओपन फीड वाटर हीटर का नाम देंगे। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हमको क्लोज फीड वाटर हीटर देखना हो, अगर हम कहें कि ये क्लोज फीड वाटर हीटर है, तो क्लोज फीड वाटर हीटर में क्या होगा, कुछ X1 अमाउंट स्टीम एट एंथैल्पी H1 इन करेगा, और X2 एट H2 आउट होगा। नेक्स्ट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इन करेगा, सपोज Y1 एट S3, Y2 है H4। इन दोनों के केस में ये डायरेक्ट, इस केस में डायरेक्टली ये दोनों मिक्सअप नहीं होंगे, समझ गया है? क्लोज वाले में दो चैम्बर डिफरेंट होंगे, एक इस पैसेज के लिए और एक इस पैसेज के लिए, यानी दोनों का हीट ट्रांसफर तो होगा बट आपस में मिक्स नहीं होंगे वो। तो ओपन और क्लोज में डिफरेंस ये होता है कि क्लोज वाले के केस में हमारा चैम्बर डिफरेंट हो जाता है बट फिर भी हीट एक्सचेंज होता है, वो हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में इनडायरेक्टली आ रहा है, और ओपन के केस में डायरेक्टली हीट एक्सचेंज होता था, क्लोज में इनडायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है, यानी हीट ट्रांसफर हो रहा है। इस केस में अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना हो, सेम ई इन इज इक्वल्स टू ई आउट, कैसे, आपके पास दो इन है, हम मान लेते हैं X1 H1 प्लस Y1 H3 इज इक्वल्स टू X2 H2 प्लस Y2 H4, ठीक है। आपको कोई सारी वैल्यू दी होगी, कोई एक वैल्यू आपसे पूछेगा, हो सकता है आपसे X पूछ दे, हो सकता है Y पूछ दे, या हो सकता है कुछ आपके पास अमाउंट दिया हो बट एंथैल्पी पूछ दे। तो ये हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इन और आउट को बराबर कर देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने सीखा है ये सारी चीजें, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा यूज पड़ेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए बेसिक छोटी सी चीजें देख ली हैं। थोड़ी सी रीजनरेटिव आइडियल हमने देख लिया था, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल रैंकाइन साइकिल के एफिशिएंसी के बराबर थी, इसलिए आइडियल पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने रियल रीजनरेटिव का केस देखना शुरू किया। तो एक रियल रीजनरेटिव साइकिल बनाते हैं,
कि टीएस डायग्राम बनेगा, ये तो फिक्स है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से डिसाइड कर रखा था कि टीएस डायग्राम में ड्रॉ करेंगे जो भी करेंगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से वो टीएस डायग्राम कैसे बना है वो देख लेते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं। कोई भी हम मान लेते हैं फीड वाटर हीटर, कुछ भी कोई ओएफ, हम ओपन फीड वाटर हीटर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वन और ये टू, हमारे पास ऑप्शन है, हम कुछ भी मान सकते हैं, वन टू है हमने मान लिया, दोनों को सेम माना है, अलग भी मान ले, हमारे लिए अभी सेम मानते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हमारा काम कर रहा, ठीक। तो हमने बॉयलर लगा दिया, बॉयलर के बाद स्टीम टरबाइन, टरबाइन से एक फीड वाटर हीटर वन है, फीड वाटर हीटर टू है, देन हमने कंडेंसर को यूज किया है, और इन सारे के केस में स्टीम टरबाइन से पावर जनरेट होनी है, ठीक। नंबरिंग आप कहीं से कर दें, पंप मान लेते हैं P1, P2, P3, नंबरिंग आप यहां कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारे नंबरिंग हो जाएंगे, 9, 10, ठीक है। क्या हो रहा है इस केस में कि हमने रीजनरेशन में देखा था कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम को हम एक्सपैंड कर रहे थे और कुछ अमाउंट ऑफ फीड वाटर हीटर में डालना था हमें उसे एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि हम क्या करते थे आइडियल के केस में, कंडेंसर से निकलने वाले फ्लूइड को स्टीम टरबाइन में एंटर कराते थे उसके आउटर केसिंग को, क्या करने के लिए कि इसका ही हीट एक्सचेंजर का हीट ट्रांसफर कर सके। लेकिन उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कर्व आइसेंट्रोपिक ना हो करके कुछ कर्व मिलता था जो कि ये हमें लॉस दे रहा था, आइसेंट्रोपिक ना होकर, यानी वो आइडियल नहीं मिल पा रहा था जो हमें चाहिए था। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हमने क्या किया, हमने सिस्टम में फीड वाटर हीटर लगाया, कुछ अमाउंट पहले एक्सपेंड कराएंगे, देन बचे को बाद में कराएंगे, देन रेस्ट को कंडेंसर से पास कराएंगे और सारे को मिक्सअप करके बॉयलर में फिर सेंड कर देंगे। देखते हैं क्या हो रहा है अभी, ठीक है। वन से टू एक पंप वर्क है और बॉयलर टू से थ्री के बीच में, तो मान लेते हैं हमारे पास टू से थ्री ये सिस्टम है, थ्री से फोर पहला एक्सपेंशन होना है स्टीम टरबाइन में, थ्री टू फोर, नेक्स्ट थ्री है, फोर है, फोर के बाद फाइव का एक्सपेंशन हो रहा है दूसरे फीड वाटर हीटर के लिए, फाइव का एक्सपेंशन होगा दूसरे फीड वाटर हीटर के लिए, देन सिक्स का कंडेंसर में जाना है, कंडेंसर हमारे पास सबसे नीचे सबसे लोएस्ट प्रेशर होता है, तो हमने सिक्स मान लिया, ठीक है। ये पहला फीड वाटर हीटर के लिए था और ये दूसरे वाले के लिए था, ठीक। साइकिल क्लॉकवाइज घूमेगी, ये सब कुछ क्लियर है हमारे पास क्योंकि पावर जनरेटिंग साइकिल है, इट मींस कि साइकिल तो हमारी कन्वर्ट हो गई है। अब वन और बाकी बचे हुए नंबर्स को देखते हैं, वन और टू के बीच में एक पंप लगाया,
वन और टू के बीच में एक पंप लगाया, नेक्स्ट सेवन और एट के बीच में एक पंप लगाया, सिक्स है, सेवन और एट के बीच में एक पंप लगाया, नाइन और टेन के बीच में एक पंप लगाया, नाइन और टेन के बीच में एक पंप लगाया, यानी साइकिल हमारी बन गई है, नंबरिंग कोई हो हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे रब करेंगे और यहां पर समझेंगे इन चीजों को, यही साइकिल यहां समझी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मास, जो हमारा स्टीम फ्लो रेट होगा वो मास के टर्म में कितना फ्लो कर रहा है वो देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1 केजी की स्टीम है, हमने अभी मान लिया एम डॉट एस 1 है, केजी पर सेकंड से वो फ्लो कर रहा है। अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दें, सपोज एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, एक्स 4, तो सारे का समेशन तो ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि हमने 1 को ही ब्रेक कर रखा है, तो सारे का समेशन हमेशा 1 आना होगा। यानी अगर हमें x1 निकालना हो तो हम 1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 कर सकते हैं, x2 निकालना हो तो 1 माइनस x3 माइनस x4 माइनस x1 कर सकते हैं। इट मींस हम कोई भी वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सपोज आपने बॉयलर से जो स्टीम रिलीज की वो 1 केजी पर सेकंड की रेट से वो स्टीम आ रही, 1 केजी मान लिया हमने, एक 1 केजी वो स्टीम थी जो बॉयलर से निकलने वाली थी, वो बॉयलर में आ रही है, तो पहले टरबाइन में वो आई, पहले टरबाइन में वो एंटर की, ये टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर हो गया, ये पूरा एक्सपेंशन प्रोसेस में है, तो 3 से 4 उसने एक्सपेंड करना शुरू किया, तो यहां तक तो 1 केजी था उसके पास, 1 केजी अमाउंट वो आया, वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ, जैसे ही उसने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया हमने कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम बाहर निकाल ली और पहले ओपन फीड वाटर हीटर में एंटर करा दी, तो कितनी कराई, अब एग्जैक्ट अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, न्यूमेरिकल में हमें मिलेगा, तो हमने मान लिया x1 हमने बाहर निकाल लिया, अब क्या करेंगे, बाहर बचेगा कितना, 1 माइनस x1 पर हम देख रहे हैं कि हमें और एक्सटेंशन कराना, तो मानते हैं कुछ x2 अमाउंट पास कर गया जो कि 1 माइनस x1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये x2 हमारा बचा हुआ बाहर की तरफ आ गया। हमने क्या किया, एक और फीड वाटर हीटर लगा रखा था, अगर हमारा एक नहीं लगा होता तो 1 माइनस x1 कंडेंसर में इन होता और वापस चला जाता, पर हमने एक और लगा रखा ओपन फीड वाटर हीटर 2, कुछ आया हमने फिर कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने बचा हुआ फिर कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, मान लेते हैं x2 कर लिया क्योंकि x2 आ रहा था कुछ, 1 माइनस x1 था, हमने कुछ x2 अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो 1 kg आया था उसमें x1 ले लिया, तो बचा 1 माइनस x1, हमने उसमें से फिर कुछ ले लिया, सपोज हमारे पास 100 आ रहा था, हमने 30 ले लिया, बचा 70, वो 70 यहां तक आया, 70 में से फिर हमने 30 ले लिया, बचा 40, इट मींस 1 माइनस x1 माइनस x2, तो हमारे पास फाइनली क्या आया यहां पर, 1 माइनस x1 माइनस x2, यानी ये अमाउंट फ्लो कर रहा है, ठीक, यहां पर 1 माइनस x1 माइनस x2 फ्लो करके वापस जाएगा, 9 तक आएगा और फिर उसको x2 मिल जाएगा, यानी 1 माइनस x1 माइनस x2 आया एक तरफ से और दूसरे तरफ से x2 आ गया, तो सिस्टम का इन बराबर होगा इसके आउट के, आपने सिस्टम के समीशन को देखा, x2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस x1 फिर बाहर आना चाहिए, देखिए 1 माइनस x1 फिर आएगा, आप 1 माइनस x1 गए इन कराया यहां पर, जैसे इन कराया नेक्स्ट आया x1, आपका फिर x1 कैंसिल हो गया, आपको फिर वापस 1 kg मिल गया, इट मींस हमारी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है 1 kg को लेकर के, कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, टरबाइन पता था हमारे पास 3 से 6 तक का टरबाइन आउटपुट है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं या टरबाइन का पहले लिख देते हैं फिर पंप का लिखेंगे, और हीट सप्लाइड हीट इनपुट बॉयलर के सेक्शन को लिख लेंगे, तो वो आप लोग लिख लेंगे बॉयलर का, मैं टरबाइन और पंप का बस लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे है। आपके पास क्या क्या आउटपुट है, H3 माइनस H4 प्लस
एच फोर माइनस एच फाइव प्लस एच फाइव माइनस एच सिक्स, ये आउटपुट था। बट हर केस में हमने ये देखा है कि हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम अलग अलग है, यानी जब 3 से 4 के बीच में गए तब मेरे पास 1 केजी ऑफ स्टीम थी, नेक्स्ट जब हम 4 से 5 के बीच में गए तब हमारे पास 1 माइनस एक्स वन है, इतनी ही अमाउंट जा रही है स्टीम की, नेक्स्ट हम 5 से 6 में आए तो हमारे पास 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू अमाउंट ऑफ स्टीम बचे, इट मीन्स हमारे पास टर्बाइन वर्क जो है वो ये है। अब आपसे पूछा जाए पंप वर्क क्या है, कैसे निकालेंगे, देखिए सेम वैसे ही पंप वर्क एच टू माइनस एच सेवन एच एट माइनस एच सेवन प्लस एच टेन माइनस एच नाइन प्लस एच टू माइनस एच वन, कितना अमाउंट होगा वो कितना अमाउंट होगा, देखिए 7 से 8 पे 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू फ्लो कर रहा है, इट मीन्स 1 माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू इतना अमाउंट बस फ्लो कर रहा है, देन 10 टू 9 में कितना फ्लो कर रहा है 1 माइनस एक्स वन, देन 1 2 से 1 के बीच में क्योंकि सब मिल चुका है, तो हमारा ये पंप वर्क आ गया। अब आपको जब नेट निकालना होगा तो टर्बाइन माइनस पंप वर्क करेंगे हमें डब्ल्यू नेट मिल जाएगा, ठीक है। ये वो फॉर्मूले थे जो हमें यूज करने हैं। अब हम गेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्टली गेट के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके यूपी टू में भी एग्जैक्टली गेट के बेस के ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग गेट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके एके टू के एग्जाम में एज इट इज वैसे गेट के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले बेसिक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो इजी है, जो रिपीटेड है, जो बार बार आए हैं उसे देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग लिखेंगे नहीं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो पहली चीज तो गिवन डेटा को लिख लेते हैं, गिवन डेटा को लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम, यानी कि एंथैल्पी दी हुई है, वैल्यू किसकी, स्टीम की, कहां पर, एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ स्टीम टर्बाइन। तो चाहे आप रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम ड्रॉ करिए या उसकी साइकिल पूरी ड्रॉ करिए, वो डायग्राम ड्रॉ करिए, इजी होगा आप टीएस डायग्राम को ड्रॉ कर लें। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 2000 ये क्वेश्चन आपका था, गेट 2011 टू मार्क्स का, हमने बेसिक रैंकाइन साइकिल ऐसे कुछ पढ़ रखी है, ठीक है।
बोला है कि इनलेट और आउटलेट ऑफ स्टीम टरबाइन, तो टरबाइन तो यही लगा था और कहीं था ही नहीं, तो बाकी से मतलब ही नहीं है। अब टरबाइन यहाँ दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ, ये इनलेट और आउटलेट है। क्या वैल्यू दे रखी है? 2800 किलो जूल पर केजी और 1800 किलो जूल पर केजी। इनलेट पे 2800, आउटलेट पे 1800। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। उसने बोला नेगलेक्टिंग द पंप वर्क, पंप वर्क ये था हमारा, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको लेना ही नहीं है। काम क्या होगा? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको एंथैल्पी पता है सारे पॉइंट पे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। रैंकाइन साइकिल में कोई एक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी कि आप ना निकाल पाए। दो एंथैल्पी दे रखा है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब इस पॉइंट की एंथैल्पी की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सारा आंसर इसी दो पे टिका हुआ है, हमें किसी और पॉइंट की एंथैल्पी जाननी नहीं है। स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन डेफिनेशन क्या कहता है? मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kW ऑफ नेट पावर आउटपुट m.s/1p। पावर क्या होता है हमारे पास? m.s, क्योंकि मास ऑफ स्टीम के टर्म में बात कर रहे हैं इसलिए मास ऑफ स्टीम इनटू, याद करिए मैंने बोला था w नेट, मास ऑफ स्टीम दोनों के केस में कैंसिल, तो मेरे पास क्या मिला? 1/w नेट। इसकी यूनिट क्या थी? केजी पर किलोवाट सेकेंड। हमें बोला है अवर में निकालने के लिए, गेट पे सिर्फ यही एक केस है, बस अवर में बार बार पूछते हैं इसलिए 3600 यूनिट कन्वर्जन, बाकी कुछ नहीं। फॉर्मूला आ गया हमारे पास SSC, मैंने बोला था याद रखिएगा 1/w नेट, ये आपको याद रखना था। W नेट क्या था? W टर्बाइन माइनस पंप, पंप को नेग्लेक्ट कर चुके हैं, बचा है टर्बाइन। 2800 डिवाइड बाई 1800, सॉरी माइनस 1800। यूनिट कन्वर्जन के लिए तो क्या मिला हमें? 1000 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिला? 3.6 कितना केजी पर किलोवाट आवर। यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेरे से बस ये पूछा कि एंथैल्पी आपको दिया है और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन बताइए क्या होगा, पंप को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो ये मिल गया। नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन और पूछा, सेम क्वेश्चन था, हम लोग इसको अभी रफ नहीं कर रहे। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम इस वैल्यू को यही रहने दें या इस वैल्यू को चेंज कर दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, सेम आपको स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन ही निकालना है और कुछ नहीं। गेट 2015, गेट 2015 बोला है टर्बाइन के इनलेट पे 3159 किलो जूल पर केजी की वैल्यू है, आउटलेट पे 2187 किलो जूल पर केजी की वैल्यू एंथैल्पी दे रखी है। साथ में बोला उसने कि पंप वर्क अलग से दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 किलो जूल पर केजी का, और पूछा है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन बताइए क्या होगा, तो क्या नहीं बता सकते? 1/w नेट, टर्बाइन माइनस पंप वर्क, ये हमें देगा स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, और टोटल हमें चूंकि आवर में चाहिए होगा तो 3600 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, 2015 का था, 2011 का लास्ट वाला था, लास्ट क्वेश्चन जो हमने लगाया ये 2 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन फाइंड आउट करिए, गेट 2017, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या पूछता है वो देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बार बार आते हैं, सेम क्वेश्चन 2017 2 मार्क्स का। इन रैंकाइन साइकिल टर्बाइन के एंट्री और एग्जिट पे एंथैल्पी दे रखी है, फिर सेम चीज उसने किया है, क्या किया है? 2803 और एग्जिट पे 1800। नेक्स्ट उसने बोला है
कि पंप है, पंप के इनलेट पे हमने दे दिया 121 और एग्जिट पे दे दिया 124। अब बताइए स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना होगा, क्या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते, 1/WT-WP। टर्बाइन वर्क निकाल सकते हैं, पंप वर्क निकाल सकते हैं, हमारे पास केजी पर सेकंड में आ रहा, केजी पर किलोवाट सेकंड में है, हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया और WT-WP की वैल्यू रखी, हमारे पास केजी पर किलोवाट और में आंसर आ गया। ये 2017 टू मार्क्स का, यानी कंटिन्यूअसली रिपीटेड क्वेश्चन है, 2011, 15, 17 सेम क्वेश्चन, वैल्यूज दे रखी हैं, किसी में वर्ड दे रखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है आने को आ जाए, ये वैल्यूज दे दे, WT आपके पास है, पंप वर्क फाइंड आउट कर ले और नेक्स्ट आपसे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन पूछ ले, क्या हो सकता है टर्बाइन वर्क को कहे पंप को नेग्लेक्ट करके निकालिए, कोई एक वैल्यू नहीं दे सकता है, किसी और मेथड से उसे कैलकुलेट करा के आपसे पूछ सकता है, इट मींस कि हमारे पास है क्या, बस 1/WNET उससे हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो वो तरीके थे जो सिर्फ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकालने के लिए है। एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये गेट 2008 का है, 2008 टू मार्क्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, क्या था, एक डायग्राम दे रखा था, बोला है बॉयलर है, टर्बाइन है, कंडेंसर है, पंप है, ओपन फीड वाटर हीटर है और उसके लिए एक और फीड पंप लगा रखा है जिसको बॉयलर फीड पंप कहा जाता है, वाटर को फीड करने के लिए। तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन पूछा है कि एंथैल्पी बताइए 3 पे क्या होगी, एंथैल्पी बताइए 3 पे क्या होगी, और साथ में ये दे रखा है द ब्लीड टू द फीड वाटर हीटर, ब्लीड टू द फीड वाटर हीटर, टू द फीड वाटर हीटर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये और एक तो ये, टू द फीड वाटर हीटर इज 20% ऑफ द बॉयलर, उसने साथ में लिख दिया ऑफ द बॉयलर, इट मींस कि फीड वाटर हीटर के लिए सिर्फ 20% जो बॉयलर से आ रहा होगा, ठीक, वो हमारे पास ये रहा, ऑफ द बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट ये दिया हुआ है गिवन, इसके बाद बोला है कि H3 बताइए क्या होगा और H1 और H2 पे एंथैल्पी दे रखा है। तो याद करिए फीड वाटर हीटर के केस में आपको बताया था कि सिर्फ एनर्जी के इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, सिर्फ एनर्जी का इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो लगाते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, इसे रब करते हैं यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, चलिए ये है हमारे पास ओपन फीड वाटर हीटर सिस्टम, बाकी सिस्टम को हम रब करते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है, देखिए क्या हो रहा, सिस्टम के पास कुछ अमाउंट होना था जो 100% के रेट से आ रहा था, 100% रेट से एंटर कर रहा था, बट बोला क्या गया कि 20% फीड ऑफ कर दिया गया ओपन फीड वाटर हीटर को, इट मींस 20% कितना होता है 100% का, 0.2, तो हमने 0.2 अमाउंट इन करा दिया ओपन फीड वाटर हीटर में, तो बचा कितना मेरे पास 0.8, वो कहां गया होगा, टरबाइन से बाहर निकला होगा और वो कंडेंसर से होते हुए वापस चला आया होगा 0.8, क्योंकि साइकिल में चीजें कांस्टेंट होगी क्योंकि थर्मोडायनेमिक साइकिल बना रहे हैं और थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए हमारा मास फ्लो रेट कांस्टेंट होना कंपलसरी है, तो 0.2 यहां पर आया, 0.8 यहां पर आया, यहां पूछा है कितना होगा, तो 100% तो 100% ही रहेगा, इट मींस अगर 1 के पॉइंट के टर्म में लिख रहे हैं तो ये 1 होगा, तो यानी क्या हो गया, इन और आउट करना है, समेशन ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एनर्जी आउट, और इसको हम लिखेंगे तो इन और आउट को बराबर कर दीजिए, H1 कितना है 2800 into 0.2 plus 0.8 into 200 is equals to out. Out मेरे पास क्या है H3 और 1, H3 into 1, यहां से मैं H3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल, यानी हमारे पास
इस सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए जो बड़ा सा सिस्टम था उस पूरे की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिर्फ वैल्यूज है, हम इसके बारे में जानते हैं, एनर्जी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लगाएंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।